बहुत मजा आ रहा है आज ठंड बहुत ज्यादा थी और मैंने ना चाहते हुए भी इसका ख्याल करते हुए मैंने कहा मैं लगा कहाता हूँ तो ये खुश था जैसे बन के उतनी स्माइल इसकी जिंदगी में छाए थे पहले कभी आयो क्योंकि तो मेरी वजह से खर्चा हो रहा था मेरी तो शक्ल पे जो है ना बारह बजे हुए थे कि इतनी सख्त ठंड है ये बर्फानी रीच कॉल बता आज लगी है तो बड़ी अजीब सी बात है बिल्कुल ठीक है नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है नहीं है ये ठीक खैर मुल्की हालात जो हैं वो तो जाए भाड़ में ठीक है मेरे ख्याल से मुझे लगता था कि इमरान खान के बाद कोई भी उम्मीद की किरण नहीं आ सकती जो यू you नो know, किसी भी डार टाइम में कोई ऐसी बात कह देती तो बंदा कहता है वाह छा गया आप कप्तान बट देर इज आउट समय जो के है कमरान खान ठीक है कमरान खान की एक ट्वीट आई वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस मुल्क में हो क्या रहा है उन्होंने कहा बदतरीन मुआशी सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के मुस्तबिल से हम वतन मायूस नहीं आज कराची में बैरिया टाउन दो प्रोजेक्ट के अफ्ताह के मौके पर आवाम की नाकबले यकीन हद तक जोश व खरोश और लंबी लंबी कतारें खुशगवार हैरत का बायस थीं कसिरतादाद छुट्टियों पर आए बेरो मुल्क पाकिस्तानियों की भी थी अब बंदा पूछे वहाँ पर क्या उन्होंने फ्री में बांट रहे थे प्लॉट वगैरह जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और उनको देख के ये खुश हो रहे थे फॉर्म मिल रहे थे ना तो मतलब बहुत हाँ, बता रहे हैं कि कितने हाँ, हाँ, क्या कि कितने लोग एक्साइटेड थे जी पे पाकिस्तान लॉन्च होने लगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह दो सौ पाकिस्तानियों ने बुक है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई डेढ़ सौ से दो सौ नई मर्क बी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है कि ठीक है ले आए लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो कर लें सो बेसिकली चाहे आपने ना कम से कम इस्तेमाल करनी है चीज आप बेशक ना इस्तेमाल करें लेकिन ये कि बीएमडब्ल्यू और मर्ज तो अगर आप <laughs> वो तो फिर बनता है ना वो मतलब हक आपसे नहीं छीना चाहेगा ठीक है शौक का कोई मोल नहीं तो उसके लिए हुकूमत ने इजाजत दे दी है कि वो आप मंगवाए देखिए फिर वही बात है कि मुल्क मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरी थोड़ी मेरी तो, तो फिलोसफी है कि मतलब मुल्क जो है ना अच्छा मुल्क ये नहीं होता कि जिसमें तमाम लोगों के पास मसावी हों

बेसिकली so आप देखिए कि 400 तो हमारे लोग ऐसे हैं जो हमने पैदा कर लिए हैं जो कि बी एमडब्ल्यू सेवन सीरीज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मॉडल और मर्क ये ले सकते हैं एक बेहतरीन माश्रा है <laughs> को लग रहा है क्योंकि जब मैं खबरें लिख रही थी वो मैंने आ, बीच में जो गैप आया था मैं उसको देखते हुए सारी इसकी इसकी ये ये तो उम्मीद ये, ये की किन्नी होती हैं जो आपको मिलती जुती खान नहीं ला लेकिन एटलीस्ट लेकिन मिल रही है ठीक है ये भी बोल दें हैं पूरा कंप्लीट करें इधर से मैं आपको करती हूँ उन्होंने तो जो तस्वीर कशी गनी थी जिससे जब बोलना था रोटी का स्पा पड़ा हुआ है अली आ, इस तो जो है वीट क्राइसिस इज़ ऑन इट्स पीक और प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं रोटी की कीमत भी बढ़ती जा रही है वो गायब भी होने लग गया है और वो कह रहे हैं कि मजीद बेड़ा गर्क होगा होर्डिंग भी हो रही है इस टाइम पर मतलब यहाँ तो खाने को नहीं मिल रहा है यार खाने को मिलना बंद हो जाना है आप वो सॉरी अगर लगे आपको लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट की बड़ी जबरदस्त स्कीम है आपने देखा ना कि वो सस्ते आटे के के लिए लोग फौत भी हो गए हैं जो है ना पॉपुलेशन कम होगी तो फिर आटा सबके लिए पूरा हो जाएगा अभी सॉरी नो या तो उसको ठंड लगी है या फिर बता नहीं आप ये बात नहीं कर सकते हैं है। देखिए उन्होंने एक वो सिस्टम भी डेवलप किया हुआ है जिसके अंदर वो ये था कि आप एस एम एस इस नंबर पे करें तो आपको एक पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड लेके आप यूटिलिटी स्टोर्स जाएं तो वहाँ पे करें लेकिन मसला ये कि वहाँ पे वो सब कुछ इतना मिसमैनेज है कि वो उसके बाद भी जो है उनको वो नहीं मिल पा रहा है तो अली यहाँ पे रोटी छड्डी ना वैसे आप रोटी के फैन नहीं चाहे अच्छा तो फिर आप मतलब तैयार है इस चीज़ के लिए कि आपको कख नहीं मिलेगा खान नहीं, मैं तो खैर उस तबके से हूं ना कि रोटी नहीं मिलेगी तो ब्रेड खा लेंगे ना और मर्सिडीज ले लेंगे कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना इतने पैसे हाँ। में से तो खैर लेकिन यार बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम पर और चावलों के बारे में भी कह रहे हैं कि उसकी भी प्राइसेस बढ़ती जा रही है मुझे अंडों का रोग लगा हुआ वो बहुत महंगे हो गए चावल तो वैसे भी जितना पानी चूस जाते हैं ना मतलब चीनी और चावल तो ऐसी चीज है तो हमें उगाना ही नहीं चाहिए हाँ चाहिए

वैसे आप कर सकते अपने हैं थोड़ा मैं अपने अपने आपको जबर करने के भी खिलाफ <laughs> अच्छा sure बाकी दिनों में तुम इतना खा चुके हो कि उन दो दिनों को, को फायदा नहीं होने वाली अच्छा जी इसी क्राइसिस में ना लेस जस्ट प्लग इन अनदर ग्रेट न्यूज और वो ये है कि जो पावर टैरिफ है उसके बारे में कहा जा रहा है क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारा वो मामला नहीं सेटल हो पा रहा है तो अभी करंटली इट्स 49 uh, पर यूनिट uh, 49 नाइन पर यूनिट उसको इंक्रीज करके वो

सो बिजली बता उंज कर कर क्योंकि रिफॉर्म नहीं करना अब ये आज भी मैं पिट रहा था कि क्रेडिट कार्ड पे यूएस डॉलर मुझे कितने का लग के आया दो सो बयासी मेरे और पेट्रियम के पैसे आते हैं मुझे बैंक कितने देता है दो सौ इक्कीस ठीक है अच्छा अब हाँ, ये जब मैं शुरू में भी हमने कुछ हद से पहले भी जिक्र किया था जी जी अच्छा लोगों ने जो है वो जाहिर है जो

तो वो तो मुझे भी आइडिया पता है कि अगर मैं अपने अपने अगर मैं यूएसडी वहीं पार्क करना oh, <laughs> तो <यूस्टी। laughs> से प्रॉब्लम मेरा कार नहीं चलता अच्छा तो उसने अब, अब पे तो पे, तो पेट्रियन मतलब आपने अगर बनाया हुआ या वाइस बनाया हुआ तो आपके पास तो प्रैक्टिकली दो बैंक अकाउंट है हु, तो आपके पारे पास लोग लो दिल मिला रहे है की माहो का कब बनेगा ये साइन इन करो पेट्रियन पेट्रियम कह रहे पेर सॉरी पेयोनर और वाइस पेयोनर बना लो तुम्हारे भी दो बैंक अकाउंट हो जिनके कौन सा मसला अच्छा तो वो उस लेकिन जब ये आज मैंने किया तो उस पर फिर दोस्त आए और उन्होंने कहा यार ऐसा करो कि ये जो पैसे आते हैं ना ये तुम बाहर हमारे अकाउंट में डाल दो और यहां से, हम से आ, 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 मार्केट रेट पे कैश अच्छा अब वही बात मुझे पता है कि ये कोई इतनी ज्यादा कोई तौर पे अच्छी हरकत नहीं है वो तो पैसे भी कोई नहीं रहे होते हाँ, हाँ, लेकिन अगर मैं ये कर रू अब करना शुरू कर दू तो मुझे मार्केट रेट पे मिल जाएगा ना तो वो जो मेरे थोड़े से पैसे पाकिस्तान आ रहे थे अब वो भी नहीं आएंगे तो <laughs> ये जो डारोनॉमिक्स है ना <laughs> <laughs> तभी आप उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे <laughs> तो ये डारोनॉमिक्स ने जो जो को थोड़ा बहुत कभी आना भी था ना पाकिस्तान में हो नहीं आना <laughs> सो सॉरी मेट मेट सो सॉरी तो ये हो गया बाकी ये जो सारे सारे कसूरे चार्जेस हैं सो मैं आपको ना इसका हल पेश करता हूँ है आपको इसका हालिया पेश कि हाँ। <laughs> आप इलेक्शन हाँ। इमरान खान की हाँ हाँ एक डेढ़ साल इमरान खान जलील हाँ। उसके बाद दोबारा इलेक्शन या कोई और डील करके या बेसिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें फिर मियाँ साहब आ जाए मतलब दोबारा नून लीग की हकूमत आए और इस दफा ना मियाँ साहब को भी बुला लें कि वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बने उसकी वजह यह की जिनका यह ख्याल रहना की जो बिजन है

ना ठीक कर सकते हैं ना ये खराब कर सकते हैं सो so, एक दफा ये जो ना बीच में से इजी अच्छा नहीं इन सब को इजी कराने के बाद आपने करना हाँ, क्या है करना तो रिफॉर्म ही है बेसिकली सो so, अब अच्छा वैसे इनडिलिबरेटली ये अनडिलिबरेटली क्या होता है मारो गोली अंग्रेजी को चा, ना, ना, ना चाहते, हुए, हुए। अब बाकी दुनिया हमारे साथ कर तो वही रही है सो so, ये ना इनको जो सारे वो कहते हैं ना कि मियाँ साहब के <laughs> <या इम्राण laughs> खान के दौर में मसला पाकिस्तान बने तब से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है ठीक, हाँ, 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 बिल्कुल। ठीक, वो हम एक करते हैं। वो पूरा होता था या तो हमारे इर्द गिर्द को जंग लगी होती थी जिसकी हमें जिसके लिए हमारी जरूरत थी रास्ता दे दो दे एंच कर दो कर या फिर वो हमें भीग देते थे अच्छा एक तो जंगों में हमारी जरूरत खत्म हो गई

कि मजदूरी कितनी लगेगी पूरा बात हुं हुं। <laughs> <laughs> जो ऐसे तो तो टाइल <laughs> भी टूटी हाँ। तो फिर उनसे जो है ना अच्छा वो हमने बहुत साल किया वो याद है सारी दुनिया कहती थी डूम और, और हम कहते थे इनको नहीं पता हम अब हुआ पता पूरी दुनिया हमसे अब ना तो इधर को जांगो रही इतनी और ना वो हमें एड दे रही है मतलब वो आखिरी किला जो था वो ओबीएल पे ठोक गया था सो so, अब जो है वो उसके बाद ये 2012 से करते-करते करते वो फिर भी बातें इमरान खान आते ना आते रहते चले जाते बेचारे साहब अपने विजन को जो बहुत ज्यादा होता है हर वेले वोते विजन तो पीछे ना प्यार आके आई थिंक जो वो स्ट्रेटेजिक जो हमारे दिमाग के अंदर था ना हम स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हमारी ऐसी है हम न एनबॉयड हो, हो चुके हैं है, उस के अंदर साहब और इमरान खान में अगर ज़हनत का मुकाबला हो तो बड़ा

ਔਰ ਖੂਨ ਡਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ੋਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਾਂ ਜਬ ਨਾਮ ਆਇਆ ਥਾ ਹਮਨੇ ਕਹ ਲੋ ਜੀ ਬੜ ਗਏ ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਏ ਰੂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਯੈਸ ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਓ ਯਾ 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 ਵੇਚੋ ਐਂਡ जिसपे जिसपे वो ना तिल मिला उठे बात पे बिकॉज एक डिस्कशन चल रही थी कि तीन एयरपोर्ट्स जो है, जो हैं कराची, का है ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं बाहर दे रहे, दे रहे, तो उस पे आ रहे हैं वो ने 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 हम, हम आउटसोर्स कर रहे हैं और ठीक है साइज छोटा करना पड़ेगा सरकारी अफसरान और सरकारी सारे मारेंगे

और शायद गलत हो लेकिन फिलहाल तो मैं इधर आपका निचोड़ है लेकिन ये निचोड़ किसी ने नहीं निकालना नहीं है हमेशा से जो हम जब कहते थे दिखाते थे जब आप डिफॉल्ट की बात कर रहे भी मामला नहीं ना रुकेगा ये तो एक तो मैं आपको बता दूं कि जिनको ये लगता है ना कि मुल्की हालात बहुत खराब है ओए अभी तो खराब होने ये तो हुए ही कुछ नहीं मैं, मैं क्यों आई आज? तो यही बता रहा हूँ कि ये इनको अब ठीक होना पड़ेगा और ये सरकार को साइज छोटे करने पड़ेंगे अपने अब बर... खुद कुछ करना है वाला गाना होना कोई चक्कर ही नहीं और इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से उठ के चली जाऊं क्योंकि बहुत मनोज खबरें दे रहे अभी तो भी नहीं बैठा हुआ यार अगर वो आ जाए तो वो सोचे कि वो इससे ज्यादा ग्रीन पिक्चर आठ बजे आ रहे हैं तो फिर इसके बाद ही आपको वो वाली डोज भी इन ताला मिलेगी रिकॉर्ड करना उसके साथ <laughs> ताकि वो मजीद मनूज खबरें दे अच्छा तो ये सारा कुछ तो हो गया अब स्कूल खुल गए हैं मैं बड़ी खुश थी वैसे जब इन्होंने एक्सटेंड की थी छुट्टियाँ बिकॉज ना सड़कों पे थोड़ा सा ना सुकून आया था खासतौर पर कैंट तो में लेकिन अब वो खुल तो गए हैं लेकिन पेरेंट्स जो थे और इवन स्टूडेंट्स लाइक थोड़ा तो एक और हफ्ता आते ठंड बहुत है स्मोक बहुत है मुराद तो मुरादराज को तप चढ़ गया वो कहते वर्ड इज दिस हम भी इसी तरह स्कूल जाते थे हमारी दफा भी ऐसे ही मौसम हुआ करते थे इनको को खास छुट्टियाँ चाहिए नो बड़ी मौसम टू मैनी थिंग स्पेशली स्टडी एक तो पहली बात है कि आपकी एज पे ना मेरे ख्याल से आप पचास साठ साल के तो होंगे ठीक है उस टाइम पे इतनी स्मोक भी नहीं होती थी इतने इन्वायरमेंटल इस हद तक हैज़र्ड नहीं थे ठीक है इस किस्म की बीमारियाँ भी नहीं थी जो लिंगर ऑन किए जा रही थी तो अगर वो एक कदा हफ़्ता वो मज़ीद मांग भी रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई गलत बात है

ये वो वैसे ही है है कि में आपको हर चीज अच्छी लगती है ना मतलब पुराने दोस्त इकट्ठे होते हैं ना तो हर हाँ सस के दौरे होते हैं तेनों याद है कि तो यार, यार तो तो फलाना की तो आप अच्छा वो अब अच्छी लग रही चीजें हम जलील हो रहे थे गंदी जिंदगी थी हमारी मेरी जो बेस्ट जिंदगी का टाइम है ना वो ये अब बस मेरी वजह से ही आया हाँ। सारा क्रेडिट हाँ। <laughs> मैं सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए बैठी होती हूँ मेहनत की ये है आ, मैं जो दिसंबर में और जनवरी में स्कूल जाता होता था मुरादराज साहब तो आपने कितना कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप हाँ भी कर गए इस टाइम मतलब यहाँ तो आइंस्टाइन कह रहा हूँ मुरादराज कौन है जिसने absolutely not के साथ इमरान खान का पोस्टर लगाया हुआ था और उस वहां के खड़े हुए थे तो उनकी बात क्या है मतलब हमारे पास ना साइकिल थी ना गाड़ी थी ना मोटरसाइकिल पैदल स्कूल मरना होता था ठीक है वॉक करके सुबह सात बजे वहां पे मरो ठीक है और वैनो और रिक्शों के ऊपर जो मैं भी यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज वगैरह जाया करती थी मुझे नहीं समझ में आता व्हाट इज सो नॉस्टैल्जिक अबाउट और मुझे तो स्कूल के जो है ना वो एक हर चीज ही खैर वाही आती थी लेकिन मुझे याद है कि हम स्कूल में थे तो फिल्म रिलीज हो गई मोहब्बतें हम्म अच्छा अब वो बड़ी बो, बो, बिग स्टार जी जी शाहरुख खान हाँ। तो अमिताभ बच्चन तो अच्छा मैं जरा फिल्मी से था मैंने मैंने कहा यार ये केबल वाला लगा देगा मैंने तो सारे टीवी बंद बह रहे हैं अच्छा वो अगले दिन मैं स्कूल गया कपड़े कुपड़े पहने में जैकेट जूकेट स्वेटर जैकेट ठंड मैं क्या सारे शर्टों में ना ऊपर से स्वेटर लटका के फिर

मुझे तो एटलीस्ट कुछ नहीं याद आता खैर अच्छा जी आगे आ जाते हैं आ, लाइनल मेसी वाली खबर मैं आप लोगों को बताऊँ वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना एंड एवरीथिंग एल्स तो वहाँ पर अब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं ना देर हैज़ बीन सेवन हंड्रेड परसेंट इनक्रीज इन चूजिंग लाइनल मेसी नेम फॉर देयर किड्स मैंने लगता है अगली पूरी अगली दो जनरेशन जो है ना उनमें सबके नाम लाइनल होने और अपने प्यो का नाम ही नहीं लाते दे पाए पूरा नाम वो ये ये पुरानी सुलझ गई हैं इससे कि वो जो था ना कि का वो जो है हंड्रेड हाँ। <laughs> तो अच्छा। तुमने ऑफ पढ़ी अल्लाह वो उस बुक से मुझे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती ना इस तरह से नाम रखने की तो मेरे ख्याल से मैं जान शेर खान रखती आगे 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 से से क्योंकि उस जैसा लेजेंड पाकिस्तान में कोई नहीं आया उसके मुकाबले का कोई नहीं आया खैर जी अच्छा जी क्या है आप लोगों से हम लोगों ने पिछले दिनों खबर है इस पर लड़ाई हो जानी है क्योंकि वो जहांगीर खान लवर्स भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ना मैंने देखा <laughs> है मोहम्मद रफी और किशोर कुमार हाँ। फैन क्लब oh, so, है ओह आई एम किशोर कुमार वेरी वेरी स्ट्रिक्टली किशोर कुमार तो वो फटा पड़ता है लोग डंडे लेकर घर भी आ जाते होते हैं अच्छा मैं खैर मैं भे तो जा रही हूं कोई बात नहीं अच्छा जी ये वो पिछले दिनों हमने एक वो टेस्ट की बात की थी पुलिस के अफसरान की जिसके अंदर 30000 से ज्यादा बंदे ने अप्लाई किया था गैस करो चेक किसने किए हैं पेपर्स।, किस पेपर्स पेपर्स वो चेक किए हैं है स्टूडेंट्स ने और स्टूडेंट्स को बुलाया गया था एक खैबर पख्तूनखा की यूनिवर्सिटी से बुलाया गया था एक इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से बसें गई बसे को लेकर आए उनसे पेपर चेक कराए और फिर उनको लंच भी सर्व किया उन्होंने वापस ड्रॉप भी किया उन्हें तो पता हो ना हो लेकिन चेक उन्होंने उधर से कराए ये बड़ी अच्छी बात है उसकी वजह ये है कि अमूमन जो एग्जामिनर होता है उसके बच्चे अपने जो है वो पेपर चेक करते हैं तो ये तो इसमें तो स्टूडेंट्स आए हैं यूनिवर्सिटी के तो वो जाहिर है ज्यादा काबिल होंगे <laughs> और पेपर चेकिंग जो है ना वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इसीलिए तो मैं इस नतीजे तो पहुंचा कि पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि पेपर चेकिंग करनी पड़ती है अच्छा फिर वो बात मैंने जब वो किसी को इस तरह ये बात की तो उन्होंने कहा कि तो इसमें क्या मसला है तुम पेपर ना दिया करो तुम असाइनमेंट दे दिया करो असाइनमेंट भी तो देखनी है देखनी है नाइनमेंट हवा में तो नहीं होनी तो वो बिल्कुल नहीं ये बहुत मुश्किल काम है असाइनमेंट भी चेक करना

आय हाय हाय मैंने तो ज़िंदगी में कभी ना कभी पढ़ाया है ना मैं किसी को कुछ पढ़ा सकती हूँ मुझे सिखाया ही नहीं जाता कि यार ये ये चीज़ है तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन है मेरे को नहीं होता

मुझे नहीं पता ठीक है नाम मेरे शो मेरे नाम पे बना था इसने कहा मैं कहा तो फिर मेरे बगैर तो नहीं हो सकता इसलिए मैं आ जाती हूँ आप इन्फॉर्मेशन इससे निकलवा लिया करें ठीक है ख़ैर anyway, <laughs> तो हम बैठते हैं आपके लिए आप, आप हमें देखें हाँ आप देखें आप नोटिस करें इसकी जैकेट मेरा कोट हमने कितनी दफ़ा कपड़े चेंज किए इसके बालों की कटिंग हुई है कि नहीं हुई मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है आप इसे नोट करें और खुश रहा करें आपको और क्या चाहिए मजीद एस दिस इज इट फॉर टू लाइक करें सब्सक्राइब करें पेटर्न बने पैसा डेज और शादियाँ वादियाँ सब कुछ हो रहा है तो इंजॉय करें ओके बाय